हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंशु महलावत। आज जो इस लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लोपरी डी ब्रिन रीअरेंजमेंट। जो लो कार्बोहाइड्रेट की हमारी यूनिट है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो लोपरी डी ब्रिन रीअरेंजमेंट का है। अगर हम इस रीअरेंजमेंट की बात करें तो इसमें जो है हम देखते हैं कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज, जो तीनों ही है, इनको जब क्षार की उपस्थिति में रखा जाता है या इनकी रिएक्शन कराई जाती है तो हमें एक रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट वहाँ देखने को मिलता है, जिसके कि कारण ये तीनों ही ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज जो है वो उनका साम्य मिश्रण हमें वहाँ प्राप्त होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि इनका साम्य मिश्रण हमें कैसे प्राप्त होता है, तो उसका अगर हम रीजन देखें तो उसका रीजन है कि जब इन तीनों की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में कराई जाती है तो एक कॉमन इंटरमीडिएट जो है ईन डाइओल वो वहाँ पे बनता है तीनों से ही। यहाँ पे आप देखिए, जैसे ग्लूकोज है, मैनोज और फ्रक्टोज, इन तीनों की ही जब आप बेस से रिएक्शन करा रहे हैं तो एक कॉमन इंटरमीडिएट बन रहा है ईन डाइओल, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी के कारण अब जब इनकी आगे रिएक्शन कराई जाती है ईन डाइओल की, तो तीनों ही पॉसिबिलिटी है कि वहाँ हमें ग्लूकोज भी मिल सकता है, फ्रक्टोज भी मिल सकता है और मैनोज भी मिल सकता है, जिसके कारण हमें वहाँ पे साम्य मिश्रण इन तीनों का प्राप्त। तो ये कैसे होता है, इसके लिए इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब फर्स्ट जो स्टेप है इसका, कि इस रीअरेंजमेंट का, तो उसमें जब क्षार की रिएक्शन कराई जाती है तीनों में से किसी की भी, चाहे ग्लूकोज की कराइए, चाहे मैनोज की, चाहे फ्रक्टोज की, तो उससे हमें क्या मिल रहा है, ईन डाइओल इंटरमीडिएट बन रहा है। और ये ईन डाइओल इंटरमीडिएट कैसे मिलता है कि आप जानते हैं, यहाँ पे आपने किससे रिएक्शन कराई है, बेस से, और बेस क्या करेगा, एच प्लस लेगा। तो यहाँ से जब आपका बेस एच प्लस लेगा तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और कार्बन ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस, और ऑक्सीजन पे जो माइनस आएगा उसको H2O द्वारा हाइड्रोजन सप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ईन डाइओल हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। अब ये जो ईन डाइओल बना है इससे आगे तीन पॉसिबिलिटीज हैं, और उन तीन पॉसिबिलिटीज के बेस पे ही हमें तीनों डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। प्रोडक्ट तीनों ही प्राप्त हो सकते हैं, तीनों का साम्य मिश्रण हमें प्राप्त होता है, तीन संभावनाएं यहाँ पर उनकी मैकेनिज्म क्या है कि उनको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो तीन हमें कैसे प्राप्त हुए, उसको हमें यहाँ पे अब देखना है। तो उसको आप यहाँ देखिए, इस मैकेनिज्म में यहाँ हमने देखा कि हमें फर्स्ट स्टेप से क्या प्राप्त हुआ, ईन डाइओल। अब इस ईन डाइओल से वापस रीअरेंजमेंट होके जब हम करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी हैं। आप जानते हैं डाइओल के यहाँ पे दो OH हैं, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, तो इन दो हाइड्रोक्सी ग्रुप में से इसको आपने HA कह दिया, नीचे वाले को HB हम कह देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं HB है ये और वो HA है। इन दोनों में से कौन सा जो हाइड्रोजन है वो रीअरेंजमेंट में यूज होगा, उसके बेस पे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। तो अगर आपने HA का रीअरेंजमेंट में यूज हो रहा है हमारा, तो आप यहाँ देख सकते हैं HA जो आपका हाइड्रोजन वो रिमूव होगा यहाँ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो कार्बन का है उससे कार्बन पे क्या आएगा, माइनस। अब ये कार्बन जो है वो कैसी है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब इस प्लेनर स्ट्रक्चर पे जब आप हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं, लेफ्ट साइड से भी हाइड्रोजन सप्लाई हो सकता है और राइट साइड से भी। आप यहाँ पे देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये है और एक ये है। तो इस तरह से आपको ग्लूकोज भी मिल सकता है यहाँ पे और मैनोज भी मिल सकता है। अब
आप जानते हैं दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, सी टू एपीमर हैं। तो इस तरह से अगर आपने एच ए काम में लिया है तो क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज या मैनोज आपको प्राप्त होगा। और यदि रिएक्शन में एच बी जो हाइड्रोजन है कीटोनल चलावता में काम आता है, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये आपका टोटोमेरिज में काम आ रहा है एच बी, देन आपको यहाँ पे आप देखिए एच बी से एच बी रिमूव हुआ, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन से कार्बन पे क्या आया माइनस। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप हाइड्रोजन प्लेनर, यहाँ भी है कार्बन पर हाइड्रोजन कहीं से भी सप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा, फ्रक्टोज ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से लेब्री डी ब्रायन रीअरेंजमेंट से हमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज का साम्य मिश्रण प्राप्त होता है। और इस तरह से हम इसकी मैकेनिज्म को लिख सकते हैं।